Today we are going to read subject Hindi standard 4 lesson number 6. हमने lesson number 5 का class lecture में पूरा कर लिया है और अब students हम पढ़ने जा रहे हैं lesson number 6 और उसका नाम है टपका का डर। यहाँ पे जो टपका है, जो word है, वो किसके से बना है? जो बरसात है, बरसात की बूंदें या फिर ओले गिरते हैं बरसात में, जो बर्फ के छोटे-छोटे ओले गिरते हैं, उसका नाम यहाँ पर टपका दिया गया है। और टपका का डर यह एक छोटी सी स्टोरी है। हमारे पास जो वर्कबुक है उसमें स्टोरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसका स्टोरी का सारांश, जिसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में समरी कहते हैं, वो बता देती हूँ कि एक बुढ़िया होती है। बुढ़िया जंगल में रहती है। जंगल में उसके जो झोपड़ी जैसा घर होता है, तो वो जब वहाँ जंगल में रहती है तो उसे जंगली जानवर वगैरह से कम डर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसको टपका से लगता है। और यहाँ पर टपका किसे कहा गया है? जो ओले होते हैं ना, बर्फ के छोटे छोटे ओले गिरते हैं बरसात में, आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो ओले गिरते हैं और ओले गिरने से जो बुजुर्ग दादी है उनका जो छत का जो कच्ची झोपड़ी है, तो कच्ची छत है, तो उसमें से वो पानी और वो सब उसके घर में पूरा गीला गीला हो जाता है, तो ना वो खाना बना सकती हैं, ना रोटी, ना चावल, कुछ भी नहीं, और उन्हें परेशानी होती है। हर एक को पता है अगर बरसात में घर के ऊपर ही छत में से पानी गिरेगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो इंसान कहाँ रहेगा। तो जो बुजुर्ग महिला है वो जानवरों से तो बच के अपनी झोपड़ी में घुस के रह सकती है, लेकिन वो टपके से कैसे बचे? तो उसको जंगली जानवरों से ज़्यादा टपका से डर लगता है। अब एक रात की बात है कि बरसात खूब बरस रही थी, अचानक से ओले पड़ने लगे, ओले छत पे गिरे, चारों तरफ से छत पे भी गिरे, और ओलों में जो जंगल में बाघ था वो घूम रहा था, तो ओले जब गिरे तो वो बाघ था वो डर गया, वो इधर उधर भागने लगा, और इधर उधर कूदते फांदते वो भागते भागते जो बुढ़िया थी उसके घर के पास आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, अब बुढ़िया के घर के पास तो वो आ गया, लेकिन फिर हुआ क्या कि जब वो बुजुर्ग महिला के घर के पास में पहुंचता है तो वो क्या सुनता है कि बुढ़िया कहती है, मुझे बाघ से ज्यादा तो टपका से डर लगता है। अब ये बात बाघ सुनता है, बाघ सोचता है जब मैं इतना बड़ा प्राणी हूँ जंगल का जिससे सब डरते हैं, और ये बुजुर्ग महिला है जिनकी आवाज आ रही है मुझे सुनाई दे रहा है कि उनको तो टपका से ज्यादा डर लगता है, अब भाई ये टपका मेरे से भी बड़ा जानवर होगा। जब ये बात वो बाघ सुनता है, वो बुजुर्ग महिला के मुंह से, वो बुढ़िया के मुंह से, तो बाघ वहां से भाग जाता है। ये स्टोरी में समरी में इतना है कि भाई वो ये बात सुनकर बाघ भी भाग जाता है कि भाई वो टपका कितना बड़ा जानवर होगा जिससे बुढ़िया डर रही है, मुझसे भी नहीं डर रही है। सॉरी, यहाँ पर टपका ओलों को बताया गया है। और अब ये कहानी का जो मैंने आपको थोड़ा सा समरी, थोड़ा सा सारांश था, वो बता दिया। और क्योंकि बेटा सॉरी, क्योंकि बच्चों कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी कहानी है टपका का डर। बेटा बोलने की आदत पड़ गई है, क्लास में आप लोग रहते हो तो हम लोग बोल देते हैं, तो इसलिए मुझसे निकल गया। अब हम ले लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप देख लीजिए। पुस्तक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में जो आंसर्स दिए हैं वो लेने हैं परफेक्ट, और उसको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब हम जैसे करते हैं ब्लैंक्स में फिल कर देते हैं, ठीक है? तो मैं आपको रीड कर करके बता देती हूँ, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। बुढ़िया का घर जंगल में था, आंसर इज जंगल। दो, चारों ओर पानी बरस रहा था। क्या बरस रहा था? पानी। बुढ़िया का घर टपकने लगा, तो यहाँ पे किसका घर में पानी टपक रहा था? तो बुढ़िया, तो आएगा आंसर में बुढ़िया। थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे, आंसर इज ओले। बुढ़िया परेशान हो उठी, आंसर इज परेशान। और लास्ट में है बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर यहाँ पे आंसर है, आप अपने आंसर्स यहाँ देख सकते हैं। जंगल, पानी, बुढ़िया, ओले, परेशान और सिर पर पैर। प्रश्न एक हमारा यहाँ पे पूरा होता है। प्रश्न दो क्या है? पढ़िए, समझिए और लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पढ़ना है, समझना है और सेम कॉपी मार देना है।
और उसका वाक्य जो है बनाया हुआ है वो है बुल्ला चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। ठीक है, तो आपको सेम पहले ऊपर झुंझला उठना क्रोधित होना लिखना है और उसके नीचे बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित होगी ये लिखना है। ठीक है, दूसरा है सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना, बाघ टपके से डर कर सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाघ टपके से डर कर तेजी गति से तेज गति से भाग गया। सेम टू सेम आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट इन कंप्यूटर लैंग्वेज कॉपी करेंगे और लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न तीन आ जाता है हमारा, सही वाक्यांश चुन कर लिखिए। क्या करेंगे यहाँ पे, हम सही वाक्यांश चुनेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि, तो आंसर है बरसात का दिन था। देख लीजिए आप, पहला है आंसर क्या है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। गर्मी का दिन था, जाड़े का, जाड़े मतलब सर्दी। ठीक है, हिंदी में सर्दी को जाड़ा भी बोलते हैं, तो जाड़े का दिन था या फिर बरसात का दिन था, तो हम किस पे करेंगे, बरसात का दिन था। यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर तीन और टिक हमको करना है क पे, एक है जो उसमें क। नंबर दो आ गया हमारा, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि घर की दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था, छप्पर सीमेंट से बना था, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ब है, छप्पर ठीक नहीं था। तीन नंबर आ जाता है, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया नहा रही थी, रोटी पका रही थी, चावल पका रही थी, तो हमारा जो उत्तर है वो है क। अब वो क्या है, चावल पका रही थी। चौथा है बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने उसे धमकाया था, बुढ़िया ने कहा था वह भाग से नहीं टपका से डरती है, या फिर तीसरा क में लिखा है बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी, तो उत्तर हमारा ब है कि वह बाघ से नहीं टपका से डरती थी। ठीक है, तो पहले का है क, दूसरे का है ब, तीसरे का उत्तर हमारा आ गया क और चौथे का फिर से ब, आप ये टिक कर लीजिए। जंगल में पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि भीग रहे होंगे।
ठीक है, हमने उत्तर लिख दिया। अब आ जाता है आप पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आगे का आप अपना स्क्रीन देख लीजिए स्टूडेंट्स। प्रश्न पांच आ गया हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो उत्तर है बुढ़िया जंगल में रहती थी। दो है बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा, तो उत्तर आ गया बरसात में बुढ़िया के घर में ओले पड़ने लगे। तीसरा है ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया, तो उत्तर है ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास गया। चौथा है पानी टपकने की आवाजें कैसी थी, तो उत्तर है पानी टपकने की आवाज टप टप थी। पांचवा है बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। यहाँ पर टपका या तो आप बरसात की बूंदे समझ लो या फिर ओले समझ लो, लेकिन ज्यादातर ओलों में ही यहाँ पे भार है, तो यहाँ पे टपका ओलों को कहा गया, ठीक है। छठा है बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ से ऊपर पैर रखकर भाग गया। यहाँ पे आप अपने सभी उत्तर दे सकते हैं। अब हम ले लेते हैं ब, निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में पांच सात वाक्य लिखिए। अब आप चौथी कक्षा में हैं और आप लिख भी सकते हैं, फिर भी मैंने एक तो आपके लिए लिख दिया है। और नंबर वन पे है मोर, एक नंबर पे क्या है मोर के बारे में हमें पांच या फिर सात वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है, मोर के सिर पर कलगी होती है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मोर खुश होने पर नाचता है। और फिर उसके आगे लिखा है मैंने मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है, मोर बहुत ऊंचे तक नहीं उड़ सकता है। आप देख लीजिए और उत्तर
बनता है। चौथा प्रश्न है हमारा, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो स्टूडेंट्स उत्तर हमारा है, बरसात के मौसम में बिजली चमकना, बादल गरजना, इंद्रधनुष निकलना आदि होता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? तो हमारा जो उत्तर है, ओले पड़ने पर हम उन्हें खाते हैं और उनसे खेलते हैं। छठा प्रश्न है, ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है? तो उत्तर हमारा है, ओले पड़ने पर फसल आदि का नुकसान होता है, बच्चों पेड़ पौधों घरों को भी नुकसान हो सकता है। सातवां प्रश्न है, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? तो उत्तर है, चूल्हे पर पानी पड़ने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। और हमारा आठवां प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट्स, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो उत्तर आ जाता है हमारा, बुढ़िया ने कहा मैं बाघ से नहीं टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा और फिर वह सिर पर पैर रखकर भाग गया। आप अपने सभी उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं लास्ट प्रश्न पूरा करती हूँ, उससे पहले जस्ट अ सेकंड। जहाँ पेन भी लिखा होता है वो आपको नोटबुक में भी लिखना है। हम अगले लेक्चर में